हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। आज हम बेसिकली देखेंगे कि आपको दुख पहुंचाने वाले पर्सन को, आपका दिल दुखाने वाले पर्सन को, आपको यूं रुलाने वाले पर्सन को क्या उसका कर्मा मिलेगा। ठीक है, ये चीजें देखेंगे। यानी कि आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, आपको यूं इंतजार कराने का क्या कर्मा मिलेगा, ये चीजें देखेंगे गाइस। जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। किसी का दिल दुखाना, किसी को गलत बोलना, किसी के साथ गलत बिहेव करना, ये समझ लीजिए कि वो पर्सन अपना कर्मा खुद से लिख रहा है। तो आपके पार्टनर ने तो बहुत कुछ कर डाला, तो यही देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा उनको। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए गाइड टीचिंग में से बताया मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा, उन्हें दिल दुखाने का, उन्हें सताने का क्या कर्मा मिलेगा। गाइड टीचिंग में से बताइए क्या कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, उनका दिल दुखाने, उन्हें रुलाने का। गाइड टीचिंग में से बताइए गाइड टीचे क्या कर्मा मिलेगा इन्हें। गाइड टीचे फर्स्ट वन इज सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन इन रिवर्स्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, दिल दुखाने के बदले जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड। दो कार्ड्स खुल गए गाइस, द टावर एंड द हर्मिट। गाइड टीचर ने वैसे बताया क्या कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, ये दिल दिखाने के बदले में। आई थिंक दो कार्ड्स आए हमारे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून इन रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए एनर्जीज की बात करूं तो गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी हो गई हमारी। तो हमारा सवाल है कि क्या कर्मा मिलेगा आपके पर्सन को आपको यू दिल दुखाने के बदले में। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर शायद किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं उसकी बातें बहुत ज्यादा सुनी हैं, और उसके कंट्रोल में आने की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन वजह ये थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, आपके पार्टनर इसके प्रति तो बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के प्रति बिल्कुल भी डिवोटेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब सीधा कर रही है, प्लेफुल वाली एनर्जी में है, बस एंजॉय करना है लाइफ को, इस एनर्जी में ये आपके पार्टनर के साथ है, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, बेसिकली हर एक वो एनर्जी जिसने आप लोगों को अलग करा है, जुदा करा है, वो थर्ड पार्टी है, जिसकी बातों में ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आए थे पास्ट में, और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, डिस्टेंस बना ली। यहाँ पे ये चीजें हैं। कुछ कुछ के केसेस में दो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के केस में एक ही हो सकती है, बट यहाँ पे हाँ थर्ड पार्टी है। जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, देखो ये बेसिकली आपके पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए है, सेल्फिश है ये थोड़ा, ये चीजें भी दिख रही हैं, जैसे कैट थोड़ा सेल्फिश होती है, इसी तरह से ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है आपके पार्टनर के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए है, और यही मतलब जो है ना आपके पार्टनर को उनका कर्मा दिलाएगा। यानी कि आपके पार्टनर जो जिसका साथ बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना आपसे अलग होने के लिए, तो वही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सारे लेसन सिखाएगी, इनका कर्मा यही थर्ड पार्टी इनके सामने लेकर आएगी, ये चीजें दिख रही हैं मुझे।
देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के कर्मा में ना, कि जितना आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल लेते हैं, बहुत मैच्योरली सिचुएशन को डील करते हैं ना, उतना ही इनके साथ ऐसा होने वाला है कि ये चीज़ों को ना उतना ही कंट्रोल में नहीं रख सकते। इनका क्या है ना, इनका थोड़ा नेचर है सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करके रखना, लेकिन इनका कर्मा यहाँ पर ये लिखा गया है कि दूसरे पर्सन इन्हें कंट्रोल करेंगे बजाय इनके। ये चीजें दिख रही हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करेगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा और इनकी लाइफ को ना एकदम हेल बना देगा। किसी और के कंट्रोल में रहना यानी कि अपनी लाइफ को, जिंदगी को तबाह कर देना, वो एनर्जीज दिख रही है मुझे इनकी। इनका कर्मा ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जिस किसी को इन्होंने पास्ट में छोड़ा है अपने मतलब के लिए, वो उसकी यादें ना इन्हें सोने नहीं देंगी, उसकी यादें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, उसके खोने का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, वो पछतावे वाली जिंदगी ना इन्हें सोने नहीं देगी, इन्हें शांति नहीं देगी। ये चीज़ें दिख रही हैं यानी कि अपने आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ये, जितना ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, थर्ड पार्टी की बातों में आकर एक बहुत सही मैच्योरली सिचुएशन को डील किया, वही पर्सन मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लेगा, अकेला रह जाएगा। ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ओवरऑल ये सिर्फ यादों में ही खोते रह जाएंगे, पास्ट की मेमोरीज में ही खोते रह जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये अकेले हो जाएंगे। ये भी इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट होगा, ऐसा यहाँ पर है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस, देखो जितना आपके पार्टनर अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी सोसाइटी में एक नाम होना चाहिए, इनका सोसाइटी में बहुत बड़ा रुतबा होना चाहिए, वो सब पूरी तरह से खाक हो जाएगा। ये चीज़ें दिख रही हैं यानी कि लोग इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनाप शनाप बोलेंगे, इनके बारे में ना लोगों में एक गॉसिपिंग ज़्यादा होगी, लोग इनके बारे में गलत बोलेंगे, जो भी गॉसिपिंग होंगी कि भाई ये पर्सन ऐसा है, फलाना ऐसी है, इस तरह से इनके मामले में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। जितना इमेज की वजह से शायद आप लोगों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने कोई स्टेटस, कास्ट, परंपराएं, ट्रेडिशंस, बड़ा छोटा, इस तरह के जो अपने रिट्यूअल्स बना लिए थे ना, मतलब अपनी इमेज बनाए रखने के लिए चार लोगों के सामने, वही चार लोग इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनाप शनाप, काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना, जैसे कहीं ना कहीं उन्होंने देखो आपके साथ गलत करा, आपको न्याय नहीं दिया, आपको मान सम्मान नहीं दिया, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करी, बजाय आपको रेस्पेक्ट देने के आपने जो इनके लिए करा उसको इक्वल गिव एंड टेक देने के बजाय इन्होंने अपना पलड़ा हमेशा भारी रखा। और इनके साथ यही होने वाला है कि कोई इन्हें ही यही ठेस पहुंचाने वाला है। जितना ही किसी के लिए करेंगे ना, जितना ही किसी को देंगे, वो इन्हें इनके औकात दिखा देगा। ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे, यानी कि वहाँ पे भी इन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी को के साथ अन्याय करके आए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो इनके साथ कैसे वो न्याय हो जाएगा। तो यही मुझे इनका कर्मा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखो गाइस, आपके पार्टनर के साथ ऐसा भी होने वाला है, जितना इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली है ना, लोग इनसे भी डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इनके तरफ से ये फील होगा कि ये पर्सन जो है गलत है, ठीक है। तो लोगों को ये लगने लगेगा, जिन चार लोगों की वजह से इन्होंने परेशान करा, आपको यूं रुलाया, आपके साथ जो भी रिश्ता था ना उसमें इन्होंने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लाई, आपको दूर कर दिया, तो लोग इन्हें वही दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वजह चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दूरियां इनकी तय हैं लोगों से, वही चार लोग और आपके पार्टनर। ये चीजें दिख रही है यानी कि ओवरऑल ये पूरा इस मोड में नजर आ रहे हैं। इनका कर्मा है जितना ये आपके लिए दूरियां बना रहे हैं ना, लोग इनसे दूरियां बनाते शुरू कर देंगे। ये चीजें दिख रही हैं, फाइनली अकेले रह जाएंगे। आपके साथ जो भी अन्याय करा, आपके साथ जो भी वादे करे थे, वो सब चीजें लौटकर याद आने वाली हैं इन्हें। ये चीजें दिख रही हैं। उसके अलग गाइस देखो, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, शायद पास्ट में ना आपके पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन रखा,
थर्ड पार्टी और आपको एज अ ऑप्शन रखा और इन्होंने उस ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी इन कंपैरिजन ऑफ यू। ये चीजें दिख रही हैं, जिस ऑप्शन के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा कूद रहे थे, जिस थर्ड पार्टी के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा कूद रहे थे ना, वही कोई ऑप्शन इनके पास नहीं रहने वाला है। फाइनली अकेले रह जाएंगे, ऑप्शन कहाँ से आएगा, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बजाय ऑप्शन के कि अपने आप को स्टक महसूस करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ एक पिंजरे में है ऐसा महसूस करेंगे, जो शायद ही आपको भी शो करते हैं कि भाई मैं स्टक हूं, जो जैसा बोलते हैं ना कि मैं स्टक हूं, मैं आ नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, वो सब चीजें ना इनके लाइफ में आ जाएंगी, क्योंकि ये बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार यही चीजें शो कर रहे हैं, बार बार दीवारें खड़ी करके दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो वही चीजें इनकी लाइफ में लौटा दी जाएंगी कि अब देखो भाई ये दीवारें क्या होती हैं, ये ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टकनेस क्या होती है, हिम्मत क्या होती है, यही चीजें इन्हें ना लौटा दी जाएंगी एज अ कर्मा करके। कोई इन्हें बेनतहा चीट करने वाला है, ये चीजें भी दिख रही हैं, जैसे कहीं ना कहीं ये आपको आपके साथ एक प्लेफुल वाली एनर्जी में थे, यानी कि इनके लिए बहुत इजी था आपसे मूव ऑन करने का, कोई इनके साथ सेम ऐसा ही करने वाला है, ये चीजें दिख रही हैं। स्पेशली ये थर्ड पार्टी थी तो वो तो डेफिनेटली इनके साथ एक सेल्फिश वाला बिहेव कर रही है, तो इसके सीक्रेट्स भी आ जाएंगे, इनका कर्मा भी यही है, इनकी पूरी दुनिया, इनकी पूरी नींव हिलने वाली है, ये चीज भी इनका कर्मा ही मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। काफी ज्यादा फाइनेंशियली लॉस भी इन्हें होने वाला है, और शायद ये इतना लॉस होगा कि उससे इन्हें बहुत बड़ा झटका भी लगेगा, शायद बहुत ज्यादा फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल हैं आपके पार्टनर, मतलब सिचुएशन ओवरऑल ना कंट्रोल में नहीं रहेंगी, जितना ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, अपने आप को, वो चीजें कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कब तक इन्हें इनका कर्मा मिलेगा, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कर्मा को, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। द चैरियट, डेफिनेटली इनकी तरफ इनका कर्मा आ रहा है गाइस, ठीक है, मूवमेंट आ रहा है, इनका कर्मा इन्हें दिया जा रहा है, हो सकता है काफी के पार्टनर तो ये कर्मा ना फेस भी कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चांसेस है, तब इन्हें इनका कर्मा मिलेगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। टावर फिर से आया है, इनका कर्मा दिख रहा है, काफी लोगों के पर्सन तो शायद अभी भी कर्मा फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की कोई सीक्रेट्स इनके सामने आ रहे हैं, काफी इश्यूज चल रहे हैं, थर्ड पार्टी चीट कर रही है, ये सब सीक्रेट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉसेस ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और काफी लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं 9, 13 या 16 हफ्तों के अंदर अंदर अपना कर्मा फेस कर लेंगे। और देखिए गाइस, ये जो नंबर्स होते हैं ना 9, 13 और 16, जिसमें 13 का एडिशन करो तो 4 और 16 का एडिशन करो तो 7, ये नंबर दोनों जो होते हैं ना वो कर्मा को ही बताते हैं, मतलब इनके साथ बहुत गलत होने वाला है इन चीज़ों को ही बताते हैं, 7 और आपका हो गया 4, ठीक है, ये चीजें भी हैं। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।